देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। प्रदेश को विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिले कई पुरस्कार। मोर जमीन मोर मकान मॉडल के लिए आगामी 1 जनवरी को मिलेगा पुरस्कार। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 95.82% तक पहुंची। प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र से आए 3 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से बदली शहरी झुग्गी बस्तियों की तस्वीर। कोरबा में 1900 से अधिक पक्के मकानों का किया गया निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप से दुनिया को अनगिनत मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, लेकिन हमने इस संकट में भी सबक सीखा है। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि उत्पादनकर्ता भी अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर कर वोकल फॉर लोकल को बढ़ा सकता है। कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार नए साल पर हम देश के लिए संकल्प लें, दैनिक उपयोग के वस्तुओं की सूची बनाकर इस बात पर जोर दें कि भारत में बने उत्पादों को ही उपयोग में लाएं। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। प्रधानमंत्री ने उत्पादकों और उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को अपनाकर कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश में भी सुना गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का इस वर्ष ये अंतिम प्रसारण है, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक जगह पर एकत्र होकर सुना। श्री साहू ने कहा कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं।
में पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर से लेकर बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के और राजनांदगांव से लेकर महासमुंद तक के प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला और मंडल स्तर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि मोदी जी की मन की बात और उनके संदेश को शहर की आम जनता के बीच अधिक से अधिक लेकर जाए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के मन की बात का अनुसरण करें। दुर्ग के सांसद विजय बघेल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को मजबूती देने पर जोर दिया है। प्रदेश को विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी सरकार को कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था, मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, कुपोषण दूर करने और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। दो दर्जन से अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे कोविड के दौरान क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात हो, चाहे मध्यान्ह भोजन बंद होने के बाद सूखा राशन बच्चों को पहुंचाने की बात हो, चाहे पंचायत में काम करने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्वच्छता में अग्रणी रहने की बात हो। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में संचालित मोर जमीन मोर मकान मॉडल की सराहना करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि आगामी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल समारोह में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश भाजपा विधानसभा क्षेत्रवार मंडल वर्ग प्रशिक्षण चला रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों को जनता के बीच बेबाकी से रखने के गुर सिखाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के पश्चिम और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंडल वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश सरकार की असफलताओं और केंद्र सरकार के 6 साल के कामकाज की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। 50% हमारी बहनों की उपस्थिति भी रही और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जोश देखकर उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अपने पूरे विधानसभा के अंदर सक्रिय होंगे और सरकार की असफलता और माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं 6 साल के अंदर, उन कामों को जन जन तक ले जाना। और डॉक्टर सिंह ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का माहौल है, साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.82% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि अब तक देश भर में कोविड-19 संक्रमण के जांच के लिए 16,81,02,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। प्रदेश की स्थिति का आकलन करें तो बीते 24 घंटों के दौरान यहां 24,730 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 1,045 नमूने पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मुताबिक प्रदेश में बीते 9 दिसंबर के बाद संयुक्त राष्ट्र से आए यात्रियों की संख्या 65 है। इनमें से 51 यात्रियों का कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण प्रक्रिया जारी है।
14 यात्री राज्य के बाहर अन्य स्थानों में हैं। जांच प्रक्रिया के दौरान 19 यात्रियों का सैंपल नेगेटिव पाया गया, 3 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल को उच्च स्तरीय जांच के लिए पुणे स्थित लैब भेजा गया है। वहीं अन्य यात्रियों की कोविड जांच रिपोर्ट आना शेष है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जागरूकता अभियान में तेजी आई है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। केंद्रों में आने वाले किसानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि किसानों से अपील की जा रही है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मास्क वितरण भी किया जा रहा है और कोरोना से बचाव के तरीकों की जानकारियां भी दी जा रही हैं। धान उपार्जन केंद्रों पे जहां भी धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, सभी धान खरीदी केंद्रों में हमने कोविड-19 सुरक्षा मानक भी जारी किए हैं और वहां पे सभी जगह पे थर्मामीटर रखवाए हैं, लगातार उनको चेक किया जा रहा है। बिना मास्क के अनुमति नहीं दी जा रही है अंदर प्रवेश की। मेरी सभी किसान जनों से अपील है कि आप उन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, जिससे आप अपने आप को और अपने भाई बंधुओं को कोविड संक्रमण से बचा सकें। धान खरीदी केंद्रों में आए किसानों ने भी कहा कि ये अच्छी कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीमारी से सुरक्षा के लिए गाइडलाइन का पालन जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। कोरबा जिले में भी ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 2057 गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें से अब तक 1979 मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। मकान नहीं है या उपयुक्त मकान नहीं है, उनको केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त मकान, कच्चा मकान है उसको पक्का करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार का 1.5 लाख रुपये अनुदान होता है और लगभग 78,000 का अनुदान राज्य सरकार का होता है और शेष राशि अपने अगर हितग्राही जो अपना अपने पास लगाता है तो उस पर अलग अलग चरणों में मकान का जो निर्माण की स्थिति होती है अलग अलग किस्तों में उसको पैसा राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें नगर निगम कोरबा को इस योजना के अंतर्गत 2057 मकानों का टारगेट दिया गया था। इसमें से 1979 मकान का काम जो उनकी पूरी किस्त देके और पूरा करा लिया गया है। योजना के हितग्राहियों का कहना है कि कच्चा मकान होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पक्का मकान बनाना उनके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इसे हकीकत में बदल दिया। सीट के घर था पहले, अब मतलब प्रधानमंत्री बहुत मतलब लाभ दिए हैं, लेंटर लग घर बन गया है, मतलब बहुत अच्छा से आदमी रह रहे हैं। क्या सोचा था पहले आप लोगों ने इस तरीके से? हम लोग सोचे नहीं थे जैसे मतलब हम लोग के मतलब ऐसे घर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिए हैं, बहुत अच्छा से घर बनाए हैं। पहले मेरे झोपड़ी का घर था, सीट वाला घर था, वो उन्हीं के वजह से मेरा घर बनाया, लेंटर वाला घर बन गया। पहले कितनी परेशानी आती थी आपको? बहुत परेशानी था, अब ठीक हो गया, अच्छा हो गया सर। क्या सोचा था कि इस नहीं सोचे थे सर, हम लोग नहीं सोचे कि लेंटर के घर में रहेंगे, अब उनका वो जैसे पूरा हमारा घर हो गया, बनिया घर द्वार बनिया, 2-4 पैसा अपना लगा के। इस तरह प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से शहरों की बसाहट में भी सुधार हो रहा है और स्वच्छता की ओर भी हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।